तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेदा के ऑफिशियल हिंदी रिमेक के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि काफ़ी समय से ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्म विक्रम वेदा का जो है बॉलीवुड में रिमेक बनने वाला है, जिस रिमेक में हमें यहाँ पर सैफ अली खान और ऋतिक रोशन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आज यह पूरी तरह से ऑफिशियल कन्फर्म हो चुका है कि बॉलीवुड में भी इस फिल्म का जो है रिमेक बनने वाला है, जिस रिमेक में हमें यहाँ पर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान मेन लीड एक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को लेकर यहाँ पर इस फिल्म की जो रिलीज डेट है वो भी कंफर्म कर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पता चल चुका है कि इस फिल्म में विक्रम का रोल कौन प्ले करने वाला है, साथ ही साथ वेदा का जो रोल है उसे कौन सा एक्टर प्ले करने वाला है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले इस फिल्म को जो है रिलीज किया जाना है 30 सितंबर 2022 में। दोस्तों साथ ही साथ अगर बात करें कि इस फिल्म के रिमेक में हमें यहाँ पर विक्रम के रोल में कौन सा एक्टर देखने को मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें कि जहां इस फिल्म के ओरिजिनल वर्जन में हमें माधवन विक्रम के रोल में देखने को मिले थे, तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें विक्रम के रोल में देखने को मिलने वाले हैं सैफ अली खान। जी हां दोस्तों बॉलीवुड रिमेक में यहां पर हमें सैफ अली खान विक्रम के रोल में देखने को मिलेंगे और दोस्तों यहां पर वेदा का रोल प्ले करने वाले हैं ऋतिक रोशन। जी हां दोस्तों इस फिल्म के रिमेक में हमें यहां पर ऋतिक रोशन वेदा के रोल में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जिस तरह से तमिल फिल्म विक्रम वेदा एक बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रही थी, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि विक्रम वेदा फिल्म का जो बॉलीवुड रिमेक है यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित रहे। साथ ही साथ यह फिल्म ऋतिक रोशन और सैफ अली खान के कैरियर की भी एक हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन जाए। हालांकि दोस्तों आप बताओ कि आप विक्रम वेदा फिल्म के बॉलीवुड रिमेक के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हमें बिना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।